हाय दोस्तों, मैं रविंदर सिंह। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अमोनिया प्रोडक्शन पार्ट 2। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा था कि नेचुरल गैस के अंदर जो सल्फर इम्प्यूरिटीज था उसको हमने डिसल्फराइजेशन सेक्शन में ला के दूर किया था। तो दोस्तों, वहाँ से जो हमारा नेचुरल गैस मिलता है वह प्योर फॉर्म में रहता है, जिसमें 1 PPM केवल H2S प्रेजेंट रहता है। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे रिफार्मिंग सेक्शन। दोस्तों, रिफार्मिंग सेक्शन भी 2 प्रकार के होते हैं। पहले को बोलते हैं हम प्राइमरी रिफार्मर, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी रिफार्मर। दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी रिफार्मर के बारे में। दोस्तों, प्राइमरी रिफार्मर में एक फर्नेस रहता है। फर्नेस के साइड साइड में, दोनों साइड में बर्नर लगे रहते हैं, जिसमें हम फ्यूल और एयर को लाके जलाते हैं, जिससे कि हमारे फर्नेस का टेम्परेचर 830 डिग्री सेल्सियस मेंटेन हो जाता है। दोस्तों, फर्नेस के अंदर ट्यूब लगी रहती है। ट्यूब का मटेरियल निकिल और क्रोमियम का होता है। दोस्तों, ट्यूब के अंदर निकिल कैटलिस्ट रहता है। तो दोस्तों, हमारा जो नेचुरल गैस आता है डिसल्फराइजेशन सेक्शन से, उसका प्रेशर 36 kg/cm² होता है और उसका टेम्परेचर भी 300 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, इस गैस को हम 2 पार्ट में विभाजित कर लेते हैं। पहले पार्ट को हम लेके जाते हैं बर्नर में। बर्नर में ले जाने से पहले उसमें हम एयर ऐड कर लेते हैं, क्योंकि बर्नर में हम इस वाले पार्ट को जलाते हैं। बर्नर की सहायता से इस नेचुरल गैस को हम उसमें फर्नेस में ले जाके जलाते हैं। तो जलाने के लिए हमको एयर की आवश्यकता पड़ेगी। और दोस्तों, जो हमारा दूसरा पार्ट होता है, दूसरे पार्ट को हम ट्यूब के अंदर लेके जाते हैं। और दोस्तों, ट्यूब के अंदर ले जाने से पहले हम इस वाले पार्ट में स्टीम ऐड करते हैं, और स्टीम का प्रेशर 40 kg/cm² होता है और स्टीम का टेम्परेचर भी 350 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, यहाँ पर जब हम स्टीम मिलाते हैं तो स्टीम और कार्बन का जो रेशियो होना चाहिए वो 3:1 का होना चाहिए। यानी कि दोस्तों, स्टीम और कार्बन रेशियो 3:1 का मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो दूसरा पार्ट ट्यूब के अंदर आएगी और ट्यूब के अंदर कैटलिस्ट लगा रहता है, जिसके द्वारा जो हमारा नेचुरल गैस के अंदर गैसेस हैं वह गैस स्टीम की सहायता से रिएक्शन करेंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस कंपोजिशन की। तो दोस्तों, नेचुरल गैस कंपोजिशन की बात करें तो इसमें CH4 रहता है 97%, और C2H6, जिसे हम एथेन बोलते हैं, वह होता है 1.7%। और दोस्तों, C3H8, जिसे हम बोलते हैं प्रोपेन बोलते हैं, उसका जो परसेंटेज होता है वह रहता है 0.8%, और नाइट्रोजन गैस रहता है 0.5%। तो दोस्तों, जब हमारा दूसरा पार्ट, जो कि हमारा ट्यूब के अंदर जाता है, ट्यूब के अंदर कैटलिस्ट लगा रहता है, निकिल कैटलिस्ट। तो दोस्तों, प्राइमरी रिफार्मर में कौन कौन सा रिएक्शन होता है उसको हम देख सकते हैं यहाँ पे, कि रिएक्शन इन रिफार्मर। तो दोस्तों, जो हमारा नेचुरल गैस के अंदर मेथेन होता है, मेथेन वाटर से रिएक्शन करता है, और निकिल हमारा कैटलिस्ट है।
तो हमारा बनाता है CO और 3H2। और दोस्तों जो हमारा C2H6 रहता है यानी कि एथेन प्लस वाटर मिलके बनाता है 2CO प्लस 4H2। और दोस्तों जो हमारा प्रोपेन होता है C3H8 प्लस H2O निकिल कैटलिस्ट के सहायता से बनाता है 3CO प्लस 5H2। और दोस्तों हमारा यह भी रिएक्शन होता है जैसे कि मेथेन प्लस वाटर मिलके CO2 भी बनाता है और हाइड्रोजन गैस भी बनाता है। दोस्तों इन सभी रिएक्शन का जो नेचर होता है वह एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक मीन्स हमें इस रिएक्शन को करने के लिए हीट ऐड करना पड़ता है। यही रीजन है कि दोस्तों हम फर्नेस का टेम्परेचर 830 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किए हैं क्योंकि हमारे रिएक्शन का जो नेचर है वह एंडोथर्मिक है। तो इसके वजह से हमारे फर्नेस का टेम्परेचर 830 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना पड़ता है। और 830 डिग्री सेल्सियस फर्नेस का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम जो हमारा नेचुरल गैस है उसका एक पार्ट और उसी पार्ट में हम एयर को मिला के बर्नर के द्वारा जलाते हैं जिससे कि फर्नेस का टेम्परेचर 830 डिग्री सेल्सियस मेंटेन हो जाए। और दोस्तों फर्नेस प्रेशर, दोस्तों हमारे जो सेल साइड का प्रेशर होता है फर्नेस का वह 100 मिलीमीटर वाटर कॉलम होता है। दोस्तों फर्नेस का प्रेशर हम एटमॉस्फियर प्रेशर से लो रखते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि फर्नेस के अंदर जो भी हॉट गैसेस हैं वह एटमॉस्फियर के साइड में जाएं क्योंकि कोई भी चीज़ हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाना चाहती है। तो इसके वजह से हम फर्नेस का प्रेशर लो रखते हैं जिससे कि फर्नेस का कोई भी गैसेस एटमॉस्फेयर में न जाए। इसके लिए हम फर्नेस का प्रेशर 10 mmWc रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो हमारा रिफार्मर का जो आउटलेट निकलता है यानी कि जो हमने नेचुरल गैस दूसरा वाला पार्ट जिसमें हम स्टीम ऐड किए और वह मिक्सर हमारा ट्यूब के अंदर जाता है। ट्यूब के अंदर कैटलिस्ट लगा रहता है। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में CO2 और हाइड्रोजन गैस बनता है। इसके बाद जो हमारा आउटलेट निकलता है दोस्तों उसका टेम्परेचर 820 डिग्री सेल्सियस होता है। और दोस्तों बात करें आउटलेट कंपोजिशन की तो इसमें CH4 13%, H2 67%, CO 12%, CO2 8% और इसके साथ में स्टीम भी होता है। दोस्तों यह जो हमारा प्राइमरी रिफार्मर का आउटलेट होता है वह जाता है सेकेंडरी रिफार्मर में। दोस्तों अब हम बात करें सेकेंडरी रिफार्मर का, तो प्राइमरी रिफार्मर का जो आउटलेट निकलता है उसमें मेथेन 13%, हाइड्रोजन गैस 67%, कार्बन मोनोऑक्साइड 12%, कार्बन डाइऑक्साइड 8% और स्टीम रहता है। और इस गैस का जो टेम्परेचर रहता है 820 डिग्री सेल्सियस रहता है। 32 kg/cm² प्रेशर रहता है। तो दोस्तों इसको हम लेके आते हैं सेकेंडरी रिफार्मर में। दोस्तों सेकेंडरी रिफार्मर में हम एयर का यूज करते हैं जिसका प्रेशर 37 kg/cm² होता है और इसका टेम्परेचर 850 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों यह जो एयर आता है वह प्रोसेस एयर कंप्रेसर से आता है जो कि एटमॉस्फेरिक एयर को सक करता है और उसका प्रेशर 37 kg करके सेकेंडरी रिफार्मर में फीड करता है। दोस्तों अब हम बात करें कैटलिस्ट का, तो हमारे सेकेंडरी रिफार्मर में भी
कैटलिस्ट के रूप में निकिल कैटलिस्ट लगा रहता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रिएक्शन इन टॉप यानी कि टॉप टॉप पार्ट में, टॉप वाले पार्ट में कौन कौन सा रिएक्शन होता है। तो दोस्तों हमारा जो प्राइमरी रिफार्मर का आउटलेट निकलता है उसमें मेथेन रहता है 13%। तो जब यह पार्ट हमारा एयर के संपर्क में आएगा तो मेथेन और ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन यानी कि मेथेन और एयर मिलके निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में CO और हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन। और दोस्तों जो हमारा प्राइमरी रिफार्मर के आउटलेट से जो गैस निकलता है उसमें CO भी रहता है, तो CO प्लस ऑक्सीजन मिलके CO2 बनाता है। दोस्तों जो हमारा मेथेन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन से CO और हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस बनता है यह एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। इसके वजह से जब हमारा गैस ऊपर से नीचे आती है तो सेकेंडरी रिफार्मर के बीच में उसका टेम्परेचर 1050 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे रिएक्शन इन बॉटम। तो दोस्तों जो हमारा मेथेन होता है वह मैक्सिमम मेथेन हाइड्रोजन गैस CO और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब दोस्तों कुछ मेथेन अगर अब भी बचा है तो हम देखेंगे रिएक्शन इन बॉटम। तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन यह मिलके बना लेता है वाटर यानी कि स्टीम। और दोस्तों अगर अभी भी कुछ इसमें मेथेन का मात्रा है तो मेथेन प्लस वाटर मिलके बना लेता है CO और हाइड्रोजन गैस। और दोस्तों यह रिएक्शन हमने देखा था प्राइमरी रिफार्मर में होता था जिसका नेचर एंडोथर्मिक था। तो इसलिए जो हमारा सेकेंडरी रिफार्मर का आउटलेट निकलता है उसका टेम्परेचर 1050 डिग्री सेल्सियस से घट के 958 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब दोस्तों हम बात करें सेकेंडरी रिफार्मर के आउटलेट में गैस का कंपोजिशन का, तो इसके आउटलेट में जो गैस निकलता है उसका कंपोजिशन CO का जो परसेंटेज होता है 15%, कार्बन डाइऑक्साइड 10%, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस 74.73% और मेथेन रहता है 0.27%। अब दोस्तों जो हमारा सेकेंडरी रिफार्मर का आउटलेट निकला इसका टेम्परेचर रहता है 958 डिग्री सेल्सियस। इसको हमको ठंडा करना रहता है, तो ठंडा करने के लिए इस गैस को हम ले के आते हैं बॉयलर में। बॉयलर के ट्यूब में हम इस गैस को फीड करते हैं तथा सेल साइड में हम बॉयलर फीड वाटर यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारा स्टीम निकलता है जिसका प्रेशर 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तथा टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस होता है। अब दोस्तों जो हमारा यहाँ से प्रोसेस गैस निकला उसका टेम्परेचर घट के 958 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, क्योंकि जो हमारा वाटर रहता है बॉयलर फीड वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए वह हीट हमारा प्रोसेस गैस में से ले लेता है। इसके वजह से प्रोसेस गैस का टेम्परेचर घट के 600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब दोस्तों जो हमारा प्रोसेस गैस है, प्रोसेस गैस को हम सुपर हीटर में लेके आते हैं जहाँ पे हमारा प्रोसेस गैस सेल साइड में जाता है और जो हमारा बॉयलर से स्टीम निकला उसे हम ट्यूब साइड में लेके आते हैं और उसे हम सुपर हीटेड करते हैं प्रोसेस गैस के सहायता से। और स्टीम हमारा सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है जिसका प्रेशर 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और टेम्परेचर
480 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों जो हमारा सुपर हीटर का आउटलेट निकलेगा प्रोसेस गैस का, उसका टेम्परेचर घट के 400 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिसे हम CO शिफ्ट कन्वर्टर में लेके जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इसका टेम्परेचर हम 958 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो प्रोसेस गैस है इसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिसे हम CO शिफ्ट कन्वर्टर में लेके जाते हैं। दोस्तों CO शिफ्ट कन्वर्टर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।